अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाने के मामले में कोर्ट का फैसला 30 सितंबर यानी कि कल आएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार सीबीआई कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। अब मामले पर कोर्ट के फैसले को लेकर आरोपियों की धड़कनें तेज हो चुकी है। बता दें कि इस मामले में 28 साल बाद फैसला आ रहा है। मामले के 18 आरोपियों की मौत पहले ही हो चुकी है, वहीं कुछ आरोपी जीवन के अंतिम पड़ाव पर है। बाबरी विध्वंस मामले में मध्य प्रदेश से भी दो आरोपियों के नाम शामिल हैं, जिनमें बजरंग दल के पूर्व अध्यक्ष जयभान सिंह पवैया और उमा भारती शामिल हैं। जयभान सिंह पवैया ग्वालियर से लखनऊ पहुंच गए हैं। सुबह 10 बजे वो कोर्ट में अपनी हाजिरी देंगे। वहीं भाजपा के वरिष्ठ नेता कोर्ट में पेशी से छूट की मांग कर सकते हैं। मामले के आरोपी और भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी अपनी उम्र और कोरोना काल का हवाला देकर कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने की मांग कर सकते हैं। पुलिस ने लखनऊ में विशेष सीबीआई अदालत के आसपास कड़े सुरक्षा प्रबंधों की कार्ययोजना तैयार की है। तो राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ होने के बाद अब श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा और बाबा विश्वनाथ काशी के उद्धार की भी मांग उठने लगी है। हिंदूवादी नेता और मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया का कहना है कि 110 करोड़ हिंदू की इच्छा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि पर जिस तरीके से लाल पत्थर की इमारत खड़ी हो गई है, ये हिंदुओं की आस्था का अपमान है। इसी तरह से काशी विश्वनाथ में हिंदुओं को चिढ़ाने का काम किया गया है। वह व्यक्तिगत रूप से चाहते हैं कि राम मंदिर के बाद अब कृष्ण जन्मभूमि और बाबा विश्वनाथ का उद्धार हो। जयभान सिंह आज लखनऊ के लिए रवाना हुए, जहां कल सीबीआई के स्पेशल कोर्ट में बाबरी विध्वंस को लेकर फैसला आना है। उन्होंने कहा कि वो तो लोटा लंगोटी और रामायण लेकर जा रहे हैं, फिर चाहे सलाखों के पीछे रहेंगे तो राम के काम आएंगे और यदि बाहर रहेंगे तो राष्ट्र के। आपको बता दें कि जयभान सिंह पवैया बाबरी विध्वंस मामले में प्रमुख आरोपी हैं। कांग्रेस की तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा बड़े कूट रचित तरीके से कोशिश की गई कि देश की मंदिर विरोधी वोट बैंक या बाबरी वोट बैंक को ये संदेश दिया जाए कि हिंदू समाज के बड़े नेता और संतों को कलंकित करने का एक संदेश दें, लेकिन 28 साल इसी में हताशा में गुजारते गए। अब मैं तो पूरी तैयारी से जा रहा हूँ, अपना लोटा लंगोटी रामायण जी लेकर। राम जी अगर जेल के भीतर भेजेंगे तो राम जी का काम होगा, और अगर सलाखों के बाहर रहे तो राष्ट्र का कार्य करेंगे।